नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पीके गुरुजी में। आज के अपने इस वीडियो में हम एक मैथ का प्रश्न डिस्कस करेंगे। तो जिस प्रश्न को हम डिस्कस करेंगे उसकी पहले बात कर लेते हैं। तो प्रश्न हमारा क्या है, प्रश्न है कि किसी गाड़ी के मूल्य में प्रतिवर्ष 10% का अवमूल्यन होता है, 3 वर्षों के बाद उसका मूल्य प्रारंभिक मूल्य की तुलना में कितना प्रतिशत घट जाएगा। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि उसका जो प्रारंभिक मूल्य है वह है एक्स, और उसके बाद जो अंतिम मूल्य बचा ये है वाई। ठीक है, तो जब अवमूल्यन होता है तो यहां पर आप याद रखिए अमाउंट बराबर हो जाता है P₁ - R/100 की पावर टाइम। बस इतना सा चेंज होता है। जब हम चक्रवृद्धि ब्याज लगाते हैं तो यहां पर प्लस आ जाता है, लेकिन जब किसी चीज का रेट कम हो यानी उसका अवमूल्यन हो तो यहां पर हम माइनस का साइन लगाते हैं। अब अंतिम मूल्य क्या बन रहा है, वाई। प्रारंभिक मूल्य क्या है, एक्स यानी मूलधन। बन माइनस दर क्या है, 10% / 100, और टाइम क्या है, 3 वर्ष। यहाँ 0 से 0 कटा, 10 बचा, 10 एकम 10, 10 में से 1 जाएगा। इस एक्स को इधर ले आएंगे तो 9 बचेगा, तो 9/10 की पावर 3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ वाई बटे एक्स बराबर 9 का जब 3 बार गुणा करेंगे तो 9 * 81 और 81 * 729। यहाँ 10 का जब करेंगे तो 10 का जब 3 बार करेंगे तो 3 0 = 1000 आ जाएगा। ठीक है, यानी x क्या हमने माना था, प्रारंभिक मूल्य। तो यहाँ पर हम इस इक्वेशन में देख सकते हैं कि जो इसका प्रारंभिक मूल्य अगर 1000 है तो अंतिम मूल्य कितना बचता है, 729 बचता है। ठीक है, लेकिन उसने हमसे अंतिम मूल्य ना पूछ के उसने पूछा है कि 3 वर्षों के बाद उसका मूल्य प्रारंभिक मूल्य की तुलना में कितना प्रतिशत घट जाएगा। प्रतिशत में उसने हमसे पूछा है, अब मूल्यन का क्या पूछा है, प्रतिशत पूछा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर यहाँ माइनस कर देंगे, कितना 1000 में से 729 को माइनस करेंगे और यहाँ 1000 से डिवाइड करेंगे और 100 का गुणा कर देंगे। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, 0 से 0 ये दोनों कट जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ 1000 में से जब हम 729 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, ये बचेगा 271/10। 10 से जब डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 27.1%। ठीक है, तो 3 साल में जो गाड़ी है उसके मूल्य का अवमूल्यन कितने प्रतिशत हो जाएगा, यह हो जाएगा 27.1%। ठीक है, तो अवमूल्यन वाले सवालों में आपको पहली चीज याद रखना है फॉर्मूले की। फॉर्मूले में A₁ - R/100/T होता है, जबकि चक्रवृद्धि ब्याज जिसमें हमें पैसा मिलता है, पैसा आगे जुड़ता जाता है तो यहाँ प्लस लगाते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही नॉलेज बढ़ाने वाले वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए आपके अपने चैनल पीके गुरुजी के साथ। नमस्कार।